कल के मेरे कार्यकाल को और शायद इसी के कारण हमें फिर से एक बार जनता ने आशीर्वाद दिया है। और मैं मानता हूं कि इन्वेस्टर के लिए और कोई भी साहस करने वाले व्यक्ति के लिए पॉलिसी स्टेबिलिटी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। और आज भारत एक तो पॉलिसी ड्रिवन हमारा गवर्नेंस है, लेकिन साथ साथ स्टेबल पॉलिसी एंड प्रिडिक्टेबल पॉलिसी उसमें हम आग्रही हैं, ताकि कोई भी इन्वेस्टर के लिए या कोई भी वहां काम करना चाहता है उसके लिए एक एश्योरेंस उससे प्राप्त होता है और उस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। आज की टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम रीढ़ की हड्डी के बिना शरीर की कल्पना नहीं कर सकते, वैसे चिप्स के बिना कोई कारोबार चलना मुश्किल है। और हम उस दिशा में इंदो ये बात सही है कि जिस गति से दुनिया में एक विषय चला उसमें हम लेट हैं, लेकिन हम एक बार शुरू करते हैं तो हमारी गति भी उतनी तेज होती है। अब जैसे 5G में हम लेट थे, लेकिन आज हम नंबर 1 पर है, तो ये भारत की अपनी एक विशेषता भी है, स्केल भी है, आवश्यकता भी है। तो चिप के और सेमीकंडक्टर के दुनिया में हम जो पॉलिसी लाए हैं उसको बहुत ही स्वागत हो रहा है। करीब करीब सभी इस क्षेत्र के लोग भारत में आने की दिशा में आकर्षित हो रहे हैं। और उसके लिए जो बेसिक नीड्स की जरूरत है उसमें हम पूरी तरह तैयार हैं, चाहे पॉलिसी की बात हो, वहां पर आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रकार सहयोग हो, इन सभी चीजों में हम साथ में हैं। और इसलिए सबसे बड़ी बात है डिजाइन। आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी आपकी सबकी कंपनियां भी है, उनकी रिसर्च और इनोवेशन के सेंटर भारत में है, सबके सब भारत के टैलेंट से आप पूरी तरह परिचित है, भारत के टैलेंट पर आपका पूरा भरोसा भी है। तो हम डिजाइन इन इंडिया के मूड में भी और आप काफी बल दे रहे हैं, ताकि हम दुनिया को कुछ नया देने के लिए सेमीकंडक्टर में हम $15 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि सेमीकंडक्टर और चिप के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से भारत अब इस क्षेत्र में भी अग्रणी होने वाला है। बढ़ते आगे, खबर इंदौर से, जहां इंदौर के श्री खजराना गणेश मंदिर के लड्डू और भोजन प्रसादी की शुद्धता को मापा गया, तो इसको शुद्धता का 100% प्रमाण मिला है। श्री खजराना गणेश मंदिर के लड्डू और भोजन प्रसादी को सबसे शुद्ध माना गया। लड्डू और भोजन प्रसादी की शुद्धता की कसौटी पूरी तरह से खरी है और भारत सरकार की खाद्य सुरक्षा एजेंसी FSSAI ने मंदिर को 2023-24 के लिए हाइजीनिक सर्टिफिकेट दिया है और यहां हर रोज 4000 से ज्यादा श्रद्धालु भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं।